ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही हैं, तो इसको बिल्कुल अपने दिल पे मत लेना, कहीं और लेना। और अगर आप फिर भी ऑफेंड होते हो तो इस डिस्क्लेमर को एक बार फिर से देख लेना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोनी कक्कड़ के गाने धीमे धीमे के बारे में। कौन सा सिंगे? धीमे धीमे। ये वही गाना सुन रही है, एक साल से अगले पांच साल तक वही सुनेगी। पोलाइटली कैसे बोलते पापा को? जिसमें आपको टोनी कक्कड़ के साथ नेहा शर्मा भी नजर आई थी। और यार आप लोग हमारे इस चैनल को, हमारी वीडियोस को इतना ज्यादा सपोर्ट करते हो, इसके लिए यार दिल से थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखना, क्योंकि हमको अभी बहुत आगे जाना है। और चलो अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस सीन में आप लोग देख सकते हो कि ये मसाले की डिब्बियाँ यहाँ पर नेहा की तरफ टेबल पर एक साइड में पड़ी होती हैं, लेकिन अगले ही कुछ सेकंड्स में नेहा यहाँ से जाती हैं, तो ये मसाले की डिब्बियाँ वहाँ से हटके यहाँ पर टेबल के बीच में कैसे आ जाती हैं? जादू। यहाँ पर इस सीन के अंदर नेहा शर्मा टोनी कक्कड़ को फ्लाइंग किस करती है, बट उसके ऊपर टोनी कक्कड़ का कोई रेस्पॉन्स ही नहीं होता है। टोनी कक्कड़ भी लाइक नॉट इंटरेस्टेड, I'm not interested, यार। इसके बाद यहाँ पर इस सीन में टोनी कक्कड़ इस रुमाल को जलाकर फूलों का गुलदस्ता बना देते हैं। अगर आप इसे रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो आपको बता दूं कि आज से कुछ महीनों पहले टिकटॉक नामक एक बीमारी हुआ करती थी, जो कि आज की कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक थी। उस बीमारी के दौर में ये सब होना आम बात थी। लोग टिकटॉक पर हाथों से गोली मारते थे और आंखों से यहाँ पर इस सीन में आप लोग देख सकते हो कि नेहा इस फूल को लेकर What the fuck? अरे कोई इसे बताओ, ये खाने की चीज नहीं है, साले कुत्तों की जिंदगी। इसके बाद इस सीन में फिर से टिकटॉकर्स वाली हरकतें स्टार्ट हो जाती हैं। तो एक बात मुझे यहाँ पर अब समझ आई कि क्यों, आखिर क्यों टोनी कक्कड़ के सभी गानों में सभी टिकटॉकर्स ही फीचर होते हैं। एक बहुत बड़े रहस्य का आज पर्दाफाश हो चुका है। बकवास बंद कर। और दोस्तों, इन सभी के अलावा क्या आपने इस गाने में एक बात नोटिस की कि इन दोनों ने इस पूरे गाने में एक ही ड्रेस पहनकर पूरा गाना खत्म कर दिया। हाँ, मतलब इस येलो ड्रेस के अलावा जब भी इन्होंने स्टोरी एक्सप्लेन की थी, जो कि थी ही नहीं, तब दोनों ने एक ही ड्रेस में पूरा गाना खत्म कर दिया। और टिकटॉक के ऊपर ये सब 10 सेकंड के अंदर 20 से भी ज्यादा ड्रेसेस चेंज कर देते थे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में आ रहे बेल आइकन को भी जल्दी से दबा देना। और जिस तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, उसी तरह से अपना सपोर्ट और प्यार मेरे साथ बनाए रखना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।